देखिए ये रोटी बनाने वाला बेलन किस तरीके से आपकी अलग अलग बीमारियां, 21 तरीके की बीमारियां दूर कर देगा, जिसमें कमर दर्द, बदन दर्द, माइग्रेन, सिर का दर्द, घुटने का दर्द, जोड़ों के दर्द, स्लिप डिस्क, सियाटिका, कब्जी की प्रॉब्लम है आपको, लीवर से रिलेटेड कोई दिक्कत है, किडनी में कोई दिक्कत आ रही है, आपका खाना नहीं पचता, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो यही एक बेलन है जो केवल रोटी नहीं बनाएगा, आपके खाने पचाने में भी हेल्प करेगा। और वो कैसे करेगा ये आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। अलग अलग बीमारियों के बारे में अलग अलग पॉइंट्स हम बताएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले हम इस पैर की बात करते हैं। इस पैर को आप देखोगे तो ये हमारा सर है, ये हमारी जो उंगलियाँ हैं ये हमारे पैर हैं, और ये हाथ हैं, और ये बीच की दो उंगलियाँ ये हमारे पैर हैं। अगर हम इसको नीचे चलें तो ये हमारा जो है हमारा हार्ट और लंग्स का एरिया है। थोड़ा सा और नीचे चलें तो हमारा पेट से रिलेटेड एरिया आता है, और ये हमारी बीचों बीच में अगर हम बात करें, जहाँ पे अगर हम देखें तो महाभारत में भगवान कृष्ण को यहाँ पे तीर लगा था, ये किडनी का पॉइंट है। और नीचे अगर हम आएँ तो ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक और बाकी के पॉइंट्स आते हैं। अब हमें इस बेलन से क्या करना है, आप पूरे दिन की थकान अगर आपने उतारनी है, कमर दर्द, बदन दर्द दूर करना है, तो आपने इस बेलन को ऐसे पकड़ना है, अपने पैर को ऐसे रखना है, और इस तरीके से जैसे आप रोटी बेलते हैं, ताकत नहीं लगानी है, बहुत प्यार से, बहुत मुलायम तरीके से करना है। अगर आपको कोई पहले से प्रॉब्लम है, कोई चोट लगी है, तो आपने नहीं करना है, लेकिन अगर कोई चोट नहीं है और आसानी से केवल अपना बदन दर्द और कमर दर्द दूर करना है, तो आपको इस तरीके से ही मालिश करनी है। इसके अलावा नीचे के हिस्से पे भी मालिश करनी है, तो आप पूरी स्पाइन पे कवर कर लेंगे। ये जो मालिश है आपके सियाटिका, स्लिप डिस्क, कमर दर्द सब में काम आएगी। और आपने इस तरीके से अगर आप करते हो, ये आपने देखना है कि इस बेलन के उठे हुए हिस्से पे आपका बीच का हिस्सा आना चाहिए इस तरीके से। तो फिर आप इस तरीके से अगर करोगे तो आपके एक तरीके से पूरे शरीर की मसाज हो रही है। इसके बाद फिर आप एक काम जरूर करना कि ये बेलन गंदा करके धुल के रख देना, वरना पता चले इस बेलन से ही आपकी पिटाई हो जाए। इसके बाद पिंडलियों का अगर किसी को दर्द होता है, किसी के क्रैम्प पड़ते हैं, जैसे कई जगह गांव में बाइटे बोलते हैं, ये जो काफ मसल्स है यहाँ पे, तो इसके लिए आपने क्या करना है, इस तरीके से मालिश करनी है। थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, या आप पैर उठा के भी कर सकते हो। इसका फ़ायदा ये है कि पैर आपका नीचे जाएगा तो आपके अपने आप प्रेशर लगने लगेगा। यही दोनों पैरों पे करना है। 1 से 1.5 मिनट की ये जो मसाज है, ये आपके पिंडलियों के दर्द को दूर कर देगी। ऐसे लोग जैसे पुलिस वाले हैं हमारे भाई, जो दिन रात खड़े होकर ड्यूटी करते हैं, ऐसे लोग जिनका खड़े होने का काम है, महिलाएँ हैं घर में, किचन में खड़े होकर काम करती हैं, आप ऑफिस में बैठ के काम करते हैं लेकिन पैर आपके लटके हुए रहते हैं, ये धीरे धीरे करके अलग अलग प्रॉब्लम लेके आता है। जैसे लेडीज में एड़ियों के दर्द होने लगते हैं, काफ मसल के दर्द होने लगते हैं, वेरिकोज वेन आने लगती है, और वेरिकोज वेन को तो पुलिसमैन डिसीज़ भी बोला जाता है, तो उसमें इसको करने से बहुत आराम मिलेगा। इसके अलावा हम थाई मसल पे कर सकते हैं, ये हमारे एक्स्ट्रा फैट को कम करता है और पैरों के दर्द में भी आराम देता है। यही आप ऊपर वाले पे कर सकते हो, दोनों पे कर सकते हो। अब जैसे कि किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो जो हमारा ये बीच का हिस्सा है, इसको आप पहले तो उंगलियों से मसाज दें, इसके बाद इस पर बेलन से मसाज करें, तो इससे क्या होगा कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के पूरे पॉइंट्स दब जाएंगे। तो अगर किसी को वजन घटाना है, किसी के डाइजेशन में दिक्कत आ रही है, तो आप इसको इस तरीके से बेलन से ही अपनी उन समस्याओं को दूर कर लोगे जो आपको सालों से परेशान कर रही हैं, चाहे वो स्लिप डिस्क हो, चाहे वो हिप जॉइंट का दर्द हो, चाहे वो कमर का दर्द हो, सियाटिका का दर्द हो, आप इस बेलन से ही दूर कर लोगे। अगर मोटापा आपको कम करना है, वजन घटाना है, तो यही जो पॉइंट्स हैं इन्हीं को आपको एक्टिवेट करना है। चाहे तो आप इस तरीके से कर सकते हो, या ज़मीन पर रख कर इस तरीके से कर सकते हो। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे किसी को सिर दर्द हो, माइग्रेन हो, तो उसके लिए क्या करना है, ये जो अंगूठे का हिस्सा है, ठीक है, इसको बेलन के इस पॉइंट से इस तरीके से दबाना है। ये चारों तरफ आप दबाओगे, और या फिर आप बेलन को ऐसे पकड़ के इसके दोनों तरफ घुमा सकते हो, और या इस तरीके से दबा सकते हो। ये क्या करेगा, आपके पूरे हेड मसाज दे देगा। ये अंगूठे पे हेड मसाज का मतलब है कि आपने पूरे सर पे आपके मसाज दे ली। अब यही अगर किसी को सर्वाइकल की दिक्कत है, तो अंगूठे के पीछे हल्की सी मसाज कर लो,
साइड में, ये साइड में मसाज कर लो तो आपका सर्वाइकल का दर्द दूर हो जाएगा। जिन लोगों को वर्टिगो की प्रॉब्लम है, चक्कर भी आते हैं, तो पूरे अंगूठे को अच्छे से मसाज कर दो, आपका वो दर्द दूर हो जाएगा। ठीक, और ये आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से दिन में 3-4 बार कर सकते हो, 1 से 1.5 मिनट कर सकते हो। ज़्यादा करने का कोई नुकसान नहीं है, कम करने से कम फायदा होगा, तो आप ज़्यादा करो, अच्छे से करो, 1 से 1.5 मिनट बार बार करो। और इस बेलन को कृपया करके धो के रख देना, वरना आपकी स्थिति खतरनाक हो सकती है। आप हमसे मिलना चाहते हो तो मेरा नाम मयंक पोरवाल है, दिल्ली में अशोक नगर में मेरा सेंटर है। आप हमसे करना प्लस के माध्यम से संपर्क करके मिल सकते हैं। धन्यवाद।